सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। हमें इस बात की खुशी है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने जो काम किए उसका परिणाम दिल्ली के लोगों को सकारात्मक मिल रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद दिल्ली के अंदर 365 दिनों में से केवल 2016 में 110 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड, सैटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट क्वालिटी में था, जिसको हम अच्छे हवा के दिन के रूप में चिन्हित करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने जो लगातार काम किया, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चारों तरफ जो राज्य हैं केंद्र सरकार के साथ, हमने एक सकारात्मक अप्रोच के साथ सबके साथ संवाद किया, दिल्ली के लोगों को सहभागी बनाया। और हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2016 में जो केवल 110 दिन दिल्ली के लोगों को अच्छी हवा मिल रही थी, पिछले साल उन दिनों की संख्या बढ़ करके 206 हो गई है। 2016 में 110 थी और 2023 लास्ट ईयर पूरे साल के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा उसमें उसकी संख्या बढ़कर के 206 हुई है। यानी 2016 से 2023 तक 96 डेज दिल्ली के लोगों को अच्छी हवा के मिले हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर से इस दौर में, जबकि 2016 में जो दिल्ली की जनसंख्या थी वो आज बढ़ी है। दिल्ली के अंदर 2016 में जो कंस्ट्रक्शन था वो बढ़ा है, दिल्ली के अंदर 2016 में जो गाड़ियां थी वो बढ़ी हैं, फिर भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर घटा है। ये एक बड़ी उपलब्धि दिल्ली के लोगों ने मिलकर के अपने सामूहिक प्रयास से, दिल्ली के सभी विभागों के संयुक्त कार्ययोजना से, और दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके और केंद्र सरकार के सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं। अगले विंटर सेशन में इस प्रदूषण के स्तर को और कैसे कम किया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो दो हिस्सों में बंटता है। फरवरी से लेकर के और सितंबर तक जो प्रदूषण का स्तर होता है वो एक मध्यम स्थिति में होता है, लेकिन अक्टूबर के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू होता है और जनवरी तक उसका प्रभाव हम देखते हैं कि सघनता के साथ लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार ने बनाना शुरू किया। उस सिलसिले में जो पिछले एक साल में अलग अलग देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो जो नए नए आइडियाज आए हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनको अगले विंटर एक्शन प्लान में शामिल करने के लिए हमने आज ये एक्सपर्ट्स मीट बुलाई थी, जिसमें अलग अलग जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके प्रतिनिधि एक्सपर्ट्स
आज यहां शामिल हुए बड़ी तादाद में, और उन्होंने अपने काफी महत्वपूर्ण सजेशंस दिए हैं जिसको लेकर के हम अपने विंटर एक्शन प्लान में डिस्कस करके उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की तरफ बढ़ेंगे। पिछले साल हमने जो 14 पॉइंट एक्शन प्लान बनाए थे उसमें मुख्य तौर पर डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, ओपन वेस्ट बर्निंग, स्टबल बर्निंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ग्रीन वार रूम, ग्रीन दिल्ली ऐप, हॉट स्पॉट्स, रियल टाइम अपॉर्चमेंट स्टडी, ई वेस्ट इको पार्क, इंक्रीजिंग ग्रीन एरिया, पब्लिक पार्टिसिपेशन, बैन ऑन क्रैकर्स, डायलॉग विद सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रैप, इस पर फोकस करके हमने विंटर एक्शन प्लान बनाया था। आज अभी एक्सपर्ट्स के साथ जितने लगभग 33 डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली के अंदर एंटी पोल्यूशन कैंपेन में हिस्सेदारी करते हैं, सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, उन सब लोगों को ये जो 14 सूत्री जो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग कार्ययोजना हैं, उस पर उन लोगों को अपनी कार्ययोजना बनाने का भी निर्देश दिया गया है। और 5 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान के लिए ज्वाइंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ हम बैठक करेंगे और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स का जो आज आइडियाज आए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए सभी डिपार्टमेंट्स अपनी कार्ययोजना 5 सितंबर को ज्वाइंट मीटिंग में प्रस्तुत करेंगे। 5 सितंबर की ज्वाइंट मीटिंग में जो कार्ययोजना अलग अलग विभागों की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी उसको पर्यावरण विभाग स्टडी करेगा और उसको कंपाइल करके फिर सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा, जिस पर सरकार निर्णय लेकर के और उस विंटर एक्शन प्लान को पब्लिक के सामने प्रस्तुत करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।